रोज पेटल देख के फ्लावर समझे क्या, टिल्डो है अपन। अब क्या है? खैर ये सीन हजम करने के लिए मैं हजमोला खा के आता हूँ, तुम लोग इंट्रो देखो। Sawan the Love Season is a perfectly named movie because it is about Sawan and how it is a love season. See, अभी बारिश होगी, अभी होएगी, अभी अब तो पक्का होगी। अबे छोड़ दे तू मेरे को खुदा के लिए। जो मूवी का और टाइटल का कोई लेना देना नहीं है एक्सेप्ट द वर्ड लव बिकॉज इट इज अ लव स्टोरी। Sawan the Love Season, किसने रखा है ये नाम? हाँ, मूवी का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन है एक बार बताओ। अबे बहुत। आज हम सीखेंगे कि 5 मिनट की कहानी को 2 घंटे तक कैसे खींचा जाए। काजल एंड राज दोनों बड़े बापों की औलादें साउथ अफ्रीका में मस्ती कर रहे होते हैं कि वन डे दे गो टू अ पार्टी नेम्ड Welcome Indian Saturday Night Fun, which honestly sounds more like a brothel opening ceremony. Let's rock the party. मतलब seriously, fun सुन के तो यही लगता है जैसे Instagram comments में वो DM for fun वाली बंदियाँ होती है ना, उन्होंने ही organize कराओ। खैर, back to the topic. पार्टी में सब के सब strangers एकदम coordinated और synchronized डांस करते हैं, and Raj and Kajal win the Mr. and Miss Freshers. I mean, couple of the evening. And वहाँ राज को काजल पसंद आ जाती है, so he pataufies her the Indian way. As in he creeps his way into the relationship, and then दोनों की engagement भी हो जाती है। But then one day, Kajal finds Indian Jesus. I mean, भाई। अब क्या है? Who can see shitty VFX and foresee the events of future, and then he tells Kajal, Kajal जी, Friday तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। पंजाबी आँखों वाले, पंजाबी। ये मूवी बिल्कुल भी किसी भी कैरेक्टर का बैकग्राउंड नहीं देती। Still, let's talk about Kajal. Really? We know she is rich and has rich friends, not because of बड़ा घर, not because of बड़ी गाड़ियाँ, but आप डेस्टिनी में बिलीव नहीं करती? और यहाँ मैं रैपर में चिपका हुआ चॉकलेट भी चढ़ जाता था और उसने आधे से ज्यादा फेंक दिया। पैसा बहुत है भाई के पास, पैसा बहुत। पैसे के लिए भाई के पास कमी, मोटा पैसा, रखे नहीं जा रहा कहीं, घर कम पड़ रहा है। विशाल में घमाट ले लूंगा माचो एक दिन। अच्छा काजल, टेल मी यूर हॉर्नी विदाउट एक्चुअली टेलिंग मी यूर हॉर्नी। और फिर खुद ही बंदों को टरका देती है। आपको पसंद क्या है? At least not you. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because maybe she is a lesbian. Yes. काजल के फंडे एकदम क्लियर हैं। Let's be friends. मैं स्ट्रेंजर से दोस्ती नहीं करती। हाँ, सिर्फ फ्रेंड से दोस्ती करती है ये। And she is one of those girls जिसको जब लड़का अटेंशन देगा ना तो उसको खूब घुमाएंगे और फालतू गेम खिलाएंगी। मैं वहाँ रेत पर अपना मोबाइल नंबर लिखूंगी, तुम वहाँ दूर पत्थरों के पास रहोगे। मोबाइल नंबर लिखते ही मैं तुम्हें इशारा करूँगी, तुम भाग कर आना, मेरा नंबर नोट करना और मुझे फोन करना। ओके? अरे वाह। कल सूरज ढलने से पहले तुम मुझे ऐसी जगह मिलो जहाँ हर इंसान अच्छी भावना के साथ जाता है। ओके मिस्टर राज, बाय। अच्छी भावना लेगी तो कोई लोकअप में नहीं जाता है, कोई कोर्ट में नहीं जाता है, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता है, कोई शमशान घाट में नहीं जाता है, कब्रिस्तान में नहीं जाता है। मगर फंसू भाई, अच्छी भावना भला क्या है? मेरे को लगता है किसी भावना से पूछना पड़ेगा। अबे मंदिर जाना चुपे। समझ गया, मंदिर। एंड आफ्टर राज विंस ऑल द गेम्स, ही गेट्स काजल एज हिज ट्रॉफी। नो, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग हर, द कैरेक्टर इज ऑब्जेक्टिफाइंग हरसेल्फ। अच्छा राज, हाँ? तुम्हें किस स्टाइल का रोमांस पसंद है, वेस्टर्न स्टाइल या इंडियन स्टाइल? रोमांस के बारे में पूछ रही है वॉशरूम। खैर, आफ्टर हर मैरिज इज फिक्स्ड विद राज, शी फाइंड्स राधे विद लॉन्ग हेयर। अब क्या है? एंड ही सेव्स हर लाइफ। बट देन भाई टेल्स हर, 9 बजे के बाद तुम्हारे डैडी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। व्हाट? डॉक्टर अंकल, पापा की तबीयत तो ठीक है ना? ऑफ कोर्स ही इज फाइन, कल ही मैंने उनकी सारी रिपोर्ट चेक की है, नथिंग रॉन्ग विद हिम। भाई क्या कर रहा है, जगा रहा है क्या किसी को? बीच पार्टी में कोई सो जाएगा क्या, मर गया है वो? सॉरी, ही इज नो मोर, नथिंग रॉन्ग विद हिम, नथिंग रॉन्ग विद हिम, नथिंग रॉन्ग विद हिम। और इसके बाद एक यंग लड़की जिसकी मां नहीं थी, बाप गुजर गया, क्या वो शादी कर पाएगी? अरे खाना पीना तक भूल जाती है एकदम। We are going to Dubai for a small holiday. Wow. अबे बहुत। एक बार इसकी बहन इसको अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए बोलती है बिकॉज शी हैज अ जॉब एंड नॉट रियली लाइक द लीड कैरेक्टर्स ऑफ दिस मूवी। ओके दीदी, मैं गुड़िया को स्कूल से ले आऊंगी। सो शी गोज टू द स्कूल एंड वहाँ क्या हुआ? टेररिस्ट स्कूल में घुस गए हैं। मतलब जब मैं स्कूल में था तो मुझे ख्याल आते थे कि अगर टेररिस्ट अटैक हो गया तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। इनके यहाँ हो जाता है एंड नो स्टूडेंट हैज अ प्लान। पैथेटिक। मेरे स्कूल आते ना तो बताता, वैसे मेरे स्कूल के बच्चे खुद टेररिस्ट से कम नहीं थे। खैर मैं तुम लोगों को आखिरी वार्निंग देता हूँ, खुद को कानून के हवाले कर दो वरना सबके सब मारे जाओगे। अरे चच्चा किससे बात, लाउड स्पीकर पे तो बोलो। और ये लोग रिवॉल्वर किसकी तरफ पॉइंट करके खड़े? दीवारों की तरफ। जवाब क्यों नहीं देते? अबे लाउड स्पीकर पे भौंकना। हे भगवान हमारी मदद करो। तो क्या बस अब भाई प्रकट्स ऑन बाइक, और जिनकी व्हीली ऐसी लगती है कि जैसे बाइक को कोई आगे से पकड़ के खींच रहा है। खैर भाई सेव्स एवरीवन। Kajal finds him again because you know कोई काम धाम तो है नहीं, and since she understands कि he can see the future, she wants to know her future because you know लड़कियों को ये horoscope और future जानने में बड़े मजा आते हैं। कि नई शुरुआत करने जा रही है, रात से शादी करने। मेरे हाथों में मेहंदी रचाने से पहले मैं जानना चाहती हूँ इन हाथों की लकीरों में क्या लिखा है। I want to know my destiny. फ्राइडे तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। आ गए मजे। एंड नाउ एक यंग लड़की जिसकी माँ नहीं है, रिसेंटली बाप भी खो दिया है, और अब ये बेचारी ट्रॉमेटाइज हो जाती है। हंसना तो जैसे भूल ही जाती है एकदम। फ्राइडे को मैं मर जाऊंगी राज। अरे कौन सा इमोशन कब यूज करना कुछ पता ही नहीं है। मतलब इतनी हैप्पी गो लकी गर्ल तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। कोई मरे जिए कोई वैल्यू ही नहीं है इसे। मैं फ्राइडे को मरूंगी। बट बिफोर शी डाइज शी सेज I want to die as a complete woman. मैं सुहागन मरना चाहती हूँ राज। Basically she doesn't want to die a virgin because you know movie की starting में ही she told us. Ready for love. Yeah, Friday arrives and today's Friday. That is on the way. Tick tock, tick tock. I am telling you, she must have depression because अपनी death की news सुन के इतना खुश हो जाना। Death is coming. मेरे पास जैसे ही थेरेपी के पैसे जमा होते मैं इसको पक्का अपने साथ थेरेपी पे ले जाता। बट काजल। डॉक्टर सॉरी शी इज नो मोर। Raj is a regular Bollywood hero from the early 2000s, as in he has a wealthy father and is creepy. अरे जिसको प्यार करना है, उसको प्यार करने काला। तुम अरे क्या? Oh my God, Kajal. And he knows some kind of kala jadoo because he writes this on flower petals. And वो काजल का होटल, then उसका रूम ट्रैक करते हैं और उसके डोर पे जाके नॉक करते हैं, फिर वेट करते हैं कि जैसे ही वो डोर खोलेगी हम बरस जाएंगे उस पे। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। आपको कोई बंदी पसंद है मान लो, और वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्या करोगे? इफ यू आर सेन यू विल मूव ऑन। बट राज इज़ इन वन ऑफ दोस गाइस। आप कोइंसिडेंस को डेस्टिनी समझते हैं? हाउ सिली, कितने नादान हैं आप। लेकिन एक दिन इसी सिली और नादान की दीवानी हो जाएंगे आप। हाय काजल। ओह नो, देखा डेस्टिनी का कमाल, फिर मुलाकात हो गई। आप इन छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस को डेस्टिनी क्यों समझते हैं? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। और उसके बाद ये नंबर लेने के लिए गेम खेलता है, बट जॉनी लीवर क्लिक्स अ पिक ऑफ द नंबर और ये क्रीपी बिजनेस फिर से शुरू। हेलो हाय काजल। एक और चीज, इस मूवी में जॉनी लीवर इज अ फोटोग्राफर, और मजाल है कि किसी शॉट में बिना कैमरे के दिख जाओ। मतलब भाई पता कैसे चलेगा कि बंदा फोटोग्राफर है। चल राज हम फोटो निकालते हैं। एंड हर फ्रेंड इज लाइक राज लुक्स लाइक अ गुड बॉय। गुड बॉय ना, ओनली बिकॉज ही लुक्स नाइस एंड इज वेल्दी। यही अगर ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा दिखता और नेटवर्थ पूरी 150 रुपए की होती तो सबसे पहले आके नंबर ब्लॉक करवाती इसका। मीनवाइल मगर फंसुक भाई अच्छी भावना भला क्या है। अबे मंदिर जाना घोड़े। समझ गया मंदिर। अब समझा मंदिर बनवाना कितना जरूरी है। तभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मंदिर चाहिए आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए आगे बढ़ो। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। आज भगवान के सामने मैं तुमसे दोस्ती का हाथ मांगता हूँ। दोस्ती होते ही प्रपोज कर दिया। भाई इसने कुछ होता है कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले ली। खैर राज इज वेरी ओपन टू हिज डैड, सो ही टेल्स हिम अबाउट काजल। और मैंने आपके लिए और मॉम के लिए एक ब्यूटीफुल बहू भी ढूंढ ली है। एंड राज का फादर मीट्स काजल का फादर एंड आप है डब्बा बाटली बेचने वाले कबाड़िए फकीर चंद कपूर। मुझे पहचान फकीर है, बैरल जीत है और सब्जी बेचने वाला। तू फकीर चंद से फैकी कैपर कैसे बन गया? अरे यार मैं पटियाला से सीधा अमेरिका चला गया। मतलब ये सही है, हर गरीब इंसान अमेरिका जाके अमीर हो जाता है, बट ये कोई नहीं बताता कि ये लोग अमेरिका पहुंचते कैसे हैं। मतलब कुछ भी। खैर आफ्टर राजन काजल आएंगे। अबे ये कैसी रिंग है? चेस के पीस का पार्ट लग रहा है। आफ्टर काजल टेल्स हिम फ्राइडे को मैं मर जाऊंगी राज। ओह कम ऑन काजल, डोंट बोर मी नाउ। फ्राइडे तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, फ्राइडे को तुम मर जाओगी। तो ही सेज अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। एंड आफ्टर काजल बिकम्स अ कंप्लीट वुमन, दे गो आउट फॉर शॉपिंग एंड एग्जैक्टली तभी एक चोर सामने से भाग के आ रहा होता है एंड द पुलिस ऑफिसर इज लाइक फक द क्राउड, आई एम गोना शूट हिम। किसी को हटना होगा तो वो हट जाएगा। एंड काजल इज हॉट, काजल इज शॉट एंड गुस्से में ही गोज एंड बीट्स द शिट आउट ऑफ सलमान बॉय। अब क्या है? सलमान बॉय डजंट हैव अ नेम इन दिस मूवी, बट सब प्यार से उनको संबोधित करते हैं विद द नेम ऑफ। वो तो पागल है, वो पागल आदमी पागल लगता है। सलमान बॉय इज सैड इन दिस मूवी। बस में नहीं मरना, बस में नहीं। सो सैड। क्या हो गया भाई, फिर से कोई बंदी लेगा क्या आपकी? बेसिकली भाई की बंदी की डेथ हो गई है एंड ही हैज नो इंटरेस्ट इन लिविंग और टू बी इन दिस मूवी। हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का पब्लिक बराबर काम नहीं करते फैमिली पानी पे, उन्होंने ठेका वापस अपने पास ले लिया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मतलब भाई यहाँ पे सैड सॉन्ग गा रहे हैं और बगल में ये बंदी। खैर एज वी ऑल नो भाई इज स्पेशल इन दिस मूवी। गॉड टॉक्स टू भाई। उसकी बंदूक नहीं चलेगी। वाह बस वाह, भरोसा रख मुझ पर, मैं हूँ। लगता है भाई को सपने में ना किसी से मिलने जाना था, इसीलिए इतना तैयार होके सोया। मतलब शूज, जीन्स, बेल्ट, क्या सीन है भाई। एंड सेम एज राज, मजा लेके तुम मुझे बता दो कि भाई का प्रोफेशन क्या है इस मूवी में। रोज सड़कों पे घूमते हुए काजल को मिल जाएंगे और घर देखो एक बार, ये भी अकेले रहने के लिए। पैसा बहुत है भाई के पास, पैसा बहुत। इवन जब स्कूल में टेररिस्ट आते हैं तो भाई कहीं बाहर टहल रहे होते हैं पैदल और नेक्स्ट सेकंड किसी की बाइक पकड़ के फेक मीली मारते हुए इन द स्कूल। जहां पुलिस नहीं घुस पा रही है वहां पे एक लंबे बाल वाला आदमी बिना हेलमेट के टी शर्ट जीन्स में घुस के टेररिस्ट को मार के दो परफेक्टली फाइन बच्चों को गोदी में उठा के गेट से बाहर निकलता है और बाहर पुलिस गन पॉइंट करके खड़ी है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इन बच्चों का लंच ब्रेक 12 बजे होता है, 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी। अगर 12 बजे होता है लंच टाइम तो ये काजल बच्ची को लेने अभी क्यों आई हुई है? कौन लिख रहा है यार ये डायलॉग्स? कुछ तो सेंस बनाओ, क्या है? एंड इस मूवी में भाई इज सो अनइंटरेस्टेड, ही जस्ट वांट्स टू डाई कि ये मूवी खत्म हो। मतलब भाई को मार के ये बंदा वापस जा रहा होता है बट भाई इज लाइक नहीं तुझे कसम है, तू मारे बिना नहीं जाएगा। सो इट हैपेंस, भाई डाइज एंड काजल इज रेजरेक्टेड। थैंक यू गॉड। दिल को बनाया प्यार उसमें बस। मार मुझे, मार, समझ समझ मेरी बात, मुझे मार क्यों रही है? मूवी का सोल्यूशन सिंपल है। पहली बात तो ये कि जो मूवी में बंदियां होती है ना उन्हीं को क्रीप आउट करने से वो पटती हैं। तो इफ अ गाय और अ गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मूव ऑन। दूसरी बात, भाई शुडंट हैव सेव्ड काजल हियर बट आई लेट दिस वन गो सिंस भाई जस्ट वांटेड द पेन टू एंड। ऑल्सो व्हाट डिड ही सी? कार हिटिंग काजल और हिम सेविंग काजल बिफोर इट हिट्स। जो भी होता उसका उल्टा कर देना था इफ यू आर सो पिस्ड विद गॉड। मैंने प्यार किया तुम्हें रीजन से। बेसिकली इतनी चाटू मूवी है ना कि क्लास के मॉनिटर तक को शर्म आ जाए। एक सीन में काजल राज को सुनाती कि देखो सलमान भाई ने क्या बोला, फ्राइडे तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, फ्राइडे को तुम मर जाओगे। एंड स्क्रीन पे कुछ है नहीं, उस पे भी कैंसिल बटन दबा के रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं लोग। अबे इससे अच्छा ये शॉट डालते ही नहीं। हाँ बट उनको भी कहाँ ही पता था कि फ्यूचर में कोई एक लड़का ये सीन पॉज करके देखेगा। इनफैक्ट कोई भी ये मूवी देख रहा है इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। और एक दिन शायद इन लोगों ने वाइड कैमरा लेंस रेंट पे ले लिया होगा और पैसे वसूलने के चक्कर में ऐसे भद्दे भद्दे शॉर्ट मिड सॉन्ग डाले हैं ना इन लोगों ने। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और एक और चीज, मूवी में भाई पिट रहे तो भी पोज में, मतलब क्या बात है। एंड दिस मूवी टीचेस अबाउट एक्टिव एंड पैसिव हॉर्नी। दिस इज एक्टिव हॉर्नी। अरे अभी तो हमें शादी करनी है, 15-20 बच्चे पैदा करने हैं यार, गिनीज बुक में नाम लिखवाना है। एंड दिस इज पैसिव हॉर्नी। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और पहली बार अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, टूट पड़ो एकदम। बिकॉज अंडी मंडी संडी, इफ ये सब नहीं किया तो मूवी ऑल्सो हैज बॉबी डार्लिंग जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट यू टू बी ग्रोस्ड आउट। एंड बॉबी मैनेजेस टू पट आउट दिस गाय। आई गेस बॉबी को भी बड़े अच्छे लगते हैं।